देखो गाइस, आज तुम्हारा ट्रेडिंग का जो बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं उसको, वहम है, लाइक यू नो मिसकंसेप्शन दैट यू गाइस आर कैरिंग, उसको आज मैं बस्ट करने जा रहा हूँ। हाउ आई एम गोइंग टू बस्ट इट? आप जो कहते हैं ये स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ करता है भाई, ये क्या यूज़ करता है, मुझे भी सिखाओ क्या करता है वो, कौन सी स्ट्रेटजी है ये, कैसा यू नो ये कैसे प्रॉफिट कर रहे हैं लोग? तो आज मैं ये सब करने वाला हूँ। कैसे? देखो गाइस, ट्रेडिंग सिंपल आपका एक बिहेवियर है, ठीक है, योर योर बिहेवियर सिंपली, एंड दैट इज़ दी ओनली वे। अगर आपका आज का दिन नहीं है, जो भी ट्रेड लिया आपने, यू कैन जस्ट स्टॉप। ओके, होपफुली आई एम रिकॉर्डिंग, या आई थिंक सो, होपफुली। एनीवेज, तो ये सिमुलेशन है, हम सिमुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको ओके, ये मैंने थीम लगा दिया है, एंड ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। एंड हम 2% रिस्क करेंगे, $10,000 का ये चैलेंज है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10,000 का प्ले बाय किया हुआ है, ठीक है, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं लंदन सेशन पे, हर एक लंदन सेशन पे मैं एक ट्रेड लूँगा दिन की। ये ग्रीन वाला लंदन सेशन है, ठीक है, इसके आसपास ही 4 आवर कैंडल इसके आसपास क्लोज हो जाती है। मुझे कोई टेक्निकल नहीं मैं लगाऊंगा, मुझे जो लगेगा मैं वो करूँगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, अब कहाँ तक जा सकता है ये? फॉर एग्जाम्पल, ये हाई ब्रांड, ये लो ब्रांड, मतलब मैं वैसे ही बोल रहा हूँ गाइस। तो चलो बाय करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देता हूँ, टीपी लगा देता हूँ 1:1, थोड़ा। अब ये चीज़ छोटे टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं हम, पर चलो मैं बिगर टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ, थोड़ा बेटर रहेगा। मैंने क्यों लगाया? क्योंकि ये बिग इम्पल्स, पुश इम्पल्स, तो मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा प्राइस, नीचे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं, ठीक है, कहाँ जाता है प्राइस। होपफुली पहला स्टॉप लॉस ही हो जाए, मैं तो बोलता हूँ, फिर आपको थोड़ा अच्छे तरीके से पता लगेगा। थोड़ी स्पीड तेज़ कर देते हैं। ओके, पहला स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अब हम 2% डाउन है, आज का मेरा कोटा पूरा हो गया, टेक्निकली दूसरे दिन का भी कोटा पूरा हो गया, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस ही दूसरे दिन हुआ है, तो टेक्निकली मैं उस दिन भी कुछ नहीं करूँगा, मैं अपने मेंटल लेवल को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा। तो डाउन डाउन जा रहा है प्राइस, तो मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस ठीक यहाँ पर लगा देता हूँ। यूजुअली हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं, ठीक है, पर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारा ब्रेक इवन हो गया, चलो नेक्स्ट लंडन सेशन आते हैं। अगले दिन डीपी हुआ है हमारा, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है, उस दिन। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है, जिस दिन ट्रेड चल रही है उस दिन कुछ नहीं करना, हमें एक फ्रेश डे फ्रेश ट्रेड लेनी है, अगर पहले से कोई ट्रेड चल रही होगी। नहीं, मैं ये जस्ट इसलिए कर रहा हूँ ये, क्योंकि आपका ह्यूमन बिहेवियर ही आपको प्रॉफिट करवाएगा। स्ट्रेटजी मायने नहीं रखती, मैं कुछ भी करूँगा यहाँ पे, आप देखना अभी, ठीक है। लंदन सेशन आ गया, मुझे लग रहा है ये बाय जाएगा, मुझे अब लोअर लो बन रहा है, मैं तब भी बाय कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या करेगा ये। आई एम जस्ट रिलाइंग ऑन सम यू नो सम टेक्निकल्स, सॉरी सम मतलब रैंडम फिगर्स, ठीक है। चलो देखते हैं क्या करता है ये, स्टॉप लॉस हो जाए मुझे लगता है। ओके, टीपी हो गया, ये मैंने बाय क्यों किया, मैंने तो ऐसे ही बाय कर लिया, इतना सारा नीचे गिर गया, चलो बाय करते हैं, ठीक है। तो कोई इसका हार्ड रीजन नहीं था। ओके, 4 आवर मुझे लग रहा है कि फिर से बाय जाएगा, क्योंकि पुश पुल बैक, क्या पता बाय चला जाए, देखते हैं, चलो बाय करते हैं इसको। बड़े स्टॉप लॉस के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। अब देख ले अगले दिन, अब मैं इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, चलो। रैंडम नंबर, ओके, नंबर जनरेटर 1, ठीक है। अगर 2 आएगा मैं सेल करूँगा, 1 आएगा तो मैं बाय करूँगा। ओके, वन आ गया तो हमने हमने बाय करना है, राइट। तो हम करेंगे बाय, लंदन से चना, राइट। स्टॉप लॉस लगा देते हैं डिसेंट सा, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं अब रैंडम नंबर जनरेटर यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं तो लगता है स्टॉप लॉस हो जाएगा, चलो स्टॉप लॉस हो गया, इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लंदन सेशन आते हैं। ओके, लंदन सेशन नेक्स्ट आ चुका है, अब रैंडम नंबर जनरेटर मैं करूँगा। मुझे तो वैसे सेल लग रहा है, क्योंकि लोअर लो बन चुका है, पर चलो 1 बाय अपना और 2 सेल है, ठीक है। 2 आ गया तो सेल करते हैं, चलो स्टॉप लॉस लगा देते हैं यहाँ कहीं, टीपी लगा देते हैं 1:1 का,
तो वाला रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या देखो ऊपर वाला या ठीक है ओके टीपी होगा ठीक है। अब नेक्स्ट लंदन सेशन चलते हैं ओके दिस इज नेक्स्ट लंदन सेशन। मुझे तो बाय लग रहा है क्योंकि सपोर्ट पे आया हुआ है। अगर वन होगा तो बाय टू होगा सेल ठीक है। टू आ गया फिर से सेल करते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं डिसेंट सा। टीपी वन टू वन हो गया अपना, टीपी होने वाला था पर चलो कोई बात नहीं ओके टीपी हो गया अपना। नेक्स्ट लंदन सेशन चलते हैं। नेक्स्ट अगेन ये वाले दिन ट्रेड क्लोज हुई है तो मैं कुछ नहीं करूँगा ठीक है ओके। लंदन सेशन के पास ही आ गया, वन अपना बाय है टू अपना सेल है ठीक है। वन आ गया तो हम बाय करेंगे, स्टॉप लॉस डिसेंट सा कोई भी लगा दो, एक बड़ा सा फिगर मतलब थोड़ा रूम हो, वन टू वन लगाते हैं ठीक है। देखते हैं क्या बनता है, मैं थोड़ा टी पी हो जाएगा। चलो 8% डन, चैलेंज पास्ट ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ गाइस, आपका ह्यूमन बिहेवियर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं करने दे रहा भाई, इतना क्यों यार दिमाग में डाल लो ठीक है ये चीज़ भाई, आपका ह्यूमन बिहेवियर है। चलो मैं इसको एक बार और कर देता हूँ आपके लिए, रैंडम नंबर जनरेटर मैं लंदन सेशन पे करूँगा ठीक है, गोल्ड पे करूँगा, गोल्ड अच्छा वॉल्यूम देता है हमें। कोई भी रैंडम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना यहाँ पे, तो इसके लिए भी अपना ये करते हैं 4 आ गया तो अपन फोर्थ महीना सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 अप्रैल, कोई भी डेट सेलेक्ट कर लो। मैं स्प्रेड कम चाहता हूँ तो उतना ठीक है। $10,000 का चैलेंज है फॉर एग्जांपल अपना, और स्टैंडर्ड चार्ट अपन रखेंगे 1 आवर मिनिमम। चलो सिमुलेशन हो गई स्टार्ट ठीक है जी जी। रिस्क अपना रहेगा 2%। अब अपन पता क्या करेंगे, अब इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम, और सॉरी मैंने 15 मिनट चुना है, नहीं तो 1 घंटे भी करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, चलो करते हैं 1 घंटे पे। अगेन ये ग्रीन ग्रीन जोन के आसपास ही हमें बाय सेल करना है। रैंडम नेम जनरेटर, अब मैं बाय सेल लिखूंगा ठीक है भाई, ये नहीं चाहिए टू नेम्स, नो मैन रैंडम नंबर ही चुनते हैं गाइस, तो आ नहीं रहा। दो अपना सेल है, वन अपना बाय है ठीक है। वन अपना बाय था ना, अब हम बाय करेंगे ठीक है। लंदन सेशन बाय करना अपने को ओके, दो लॉट बाय करना, बाय करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा देते हैं, टीपी लगा देते हैं 1 to 1 ठीक है। मुझे नहीं पता क्या करेगा ये, देखते हैं क्या करता है। लगता तो बुलिश ही रहा ट्रेंड लाइन ब्रेक पर, चलो हम अपन एनालिसिस नहीं लगा रहे हैं अभी, अपन रैंडम चीज़ कर रहे हैं अभी ठीक है। इसको स्पीड बढ़ा देता हूँ मैं ठीक है ओके। पहला टीपी हो गया अपना, अगेन उस दिन टीपी हुआ तो उस दिन अपना दिमाग शांत रखो, अगले दिन आओ आराम से ठीक है, अगले दिन देखते हैं ओके। दिस इज लंदन सेशन, अपना 1 था बाय 2 था सेल राइट, अगेन 1 आया गाइस आई थिंक, बाय करेंगे हम। टॉप लॉस डिसेंट सा लगा देते हैं इसके नीचे, टीपी लगा देते हैं 1 to 1। चलो भाई 1 to 1 लग गया ओके, टीपी हो गया ये भी, उस अगले दिन हुआ है तो लंदन सेशन का वेट करेंगे। एंड ओके मुझे तो सेल लग रहा है क्योंकि ऊपर चला गया प्राइस काफ़ी, पर चलो ओके इसका भी चलो सेल ही कह दिया, इसने भी सेल कह दिया, सेल करते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा लगा देते हैं, इतना भी बड़ा नहीं डिसेंट सा लगा देते हैं यार ओके। 1 to 1 है ना ये ओके, अब 1 to 1 हो गया ठीक है, स्टॉप लॉस हो जाए तो अच्छा होगा। चलो नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट लंदन सेशन आते हैं ओके। लंदन सेशन आ गया, अब देखते हैं क्या बोलता है ये। 2 अपना था सेल, 1 अपना था बाय, अगेन सेल बता रहा है ये, सेल करते हैं। चलो मोमेंटम ऊपर को आ रहा है पर तब भी हम सेल कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अरे क्या बात है भाई, ओ अगेन टिप वो हो गया अपना, 8% हिट हो गया अपना।
अब मुझे नहीं पता था सारे विन होंगे गाइस, आपके सामने मैंने रैंडम चीज़ की है गाइस, अब एक आधा लॉस भी हो सकता था, पर चलो मैं दोबारा दोबारा नहीं करूँगा। मैं जस्ट इस वीडियो के जरिए ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने खुद को रोक रहे हो, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, सॉरी दिस इज माई डॉग, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है आपको रोक रही, कोई कुछ नहीं रोक रहा, आपका दिमाग ही आपको रोक रहा है गाइस। तो ये जस्ट रैंडम था अपना, ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझो गाइस, जितनी जल्दी समझोगे अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, यही है बस गाइस। तो मैं इस वीडियो को अभी एंड कर रहा हूँ, होपफुली यू गॉट द मैसेज फ्रॉम दिस वीडियो, ठीक है। अगर मैसेज मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो गाइस अपने जो पैसे हैं दूसरों को दे दो, उनका लाइफस्टाइल फंड कर दो, इट्स ओके, यू कैन जस्ट लीव द टेलीग्राम, इट्स फाइन टू मी। एनीवेज आई एम गोना एंड दिस हियर गाइस, टेक केयर, बाय बाय।